आखिरी चरण के चुनाव का हाल जानने के लिए ग्राउंड जीरो पे अभी हम लोग खड़े हैं, सुकृत के कंपोजिट विद्यालय पे। पोलिंग बूथ पे जो है कि वोट पड़ रहा है, बाहर कुछ साथी गण मौजूद थे, इसलिए हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पे हाल चाल जानना चाहा, किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। मैं बात करना चाहूँगा, कुछ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भैया, वोट आपने दिया कि अभी देना है? नहीं, दिए हैं। दिए हैं। कहाँ, निशान लग गया है? निशान लग गया। अच्छा, निशान लग गया। हाँ। किस मुद्दे पे इस बार वोट आपका था? इस बार हमारा मुद्दा था वही साइकिल पे। नहीं, मुद्दा साइकिल तो वोट दिया आपने। हाँ। मतलब मुद्दा क्या था, क्या सोच के आपने वोट किया है इस बार? वोट बार ये सोच कर वोट किए हैं कि नहीं, हमारी सरकार बननी चाहिए, सरकार बढ़िया चाहिए। तो तत्काल सरकार आपको बढ़िया नहीं लगी? नहीं नहीं, बढ़िया लगी। बहुत सारी योजनाएं तो आप लोगों के लिए? नहीं नहीं, हमको नहीं अच्छी लगी। अच्छी नहीं लगी? नहीं लगी। तो क्या अच्छा नहीं लगा सरकार में? कुछ ऐसा काम धाम कुछ दिक्कत नहीं हम लोगों को। काम बताइए, कोई रोजगार धंधा वैसा नहीं मिला हम लोगों को। रोजगार ही, बेरोजगारी ही इनका भी मुद्दा रहा। हमारे साथ और भी कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे बात करना चाहूँगा। वोट किए क्या आपने? हाँ जी, मैंने वोट कर दिया। अच्छा, वोट कर दिया जी। तो मुद्दा क्या था आपका वोट करने का इस बार? मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए इस देश में, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा उससे बड़ा मुद्दा है महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं शोषण। अरे, सरकार तो दावा कर रही है कि महिला एकदम सुरक्षित है और रोजगार एकदम। सरकार क्या दावा कर रही है? सरकार का दावा देखना है तो मणिपुर जाइए, वहाँ पे देखिए सरकार ने क्या किया है। मणिपुर में सरकार ने एक कैंडिडेट तक नहीं उतारा है। वहाँ पे मणिपुर में जब महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा था, तो उस समय हमारे मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे थे। क्या दावा कर रही है सरकार? हाँ, इस बार आपका जो है कि फोकस वोट देते समय क्या था मुद्दा, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि ये हमको करना है इस बार जब वोट देने जा रहे थे? प्रमुख समस्याएं आपको क्या समझ में आई सरकार? समस्याएं जो मोदी जी ने अभी दावा किया था 2014 में कि अगर हम आ गए, बड़े बड़े मंचों से उन्होंने चिल्ला के कहा था कि हम अगर आ गए सत्ता में तो युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है, और 10 साल उन्होंने शासन किया, यानी 20 करोड़ रोजगार बनता है। लेकिन अगर देखा जाए एक सर्वे उठा के, मोदी जी ने 20 लाख भी रोजगार युवाओं को नहीं दिया है, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया रोजगार का, जो युवा भटक रहे हैं आज, MBA पास करके 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, और कहीं किसी अस्पताल या किसी भी सेंटर के बाहर अगर ये पकौड़े की दुकान युवा ने कर दिया तो मोदी जी पूछो, अरे वो 200 रुपया कमा रहे हैं, इससे बड़ा रोजगार क्या चाहिए? कोई MBA पास PhD करके पकौड़े तल रहा है और ये बोल रहे हैं उससे बड़ा रोजगार चाहिए क्या आपको? हाँ, दूसरा जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, जो जैसे कि ये अभी बनारस में भी, हालांकि 4-6-8 महीने पहले हुआ, BHU वाला कांड आपने देखा होगा, जो लड़कों ने अभी किया था वो भाजपा से ही जुड़े हुए लोग थे। अच्छा, इनका कहना है कि भाजपा के ही पदाधिकारी अत्याचार कर रहे हैं, यही कहना है? यस, इनका कहना है कि भाजपा के पदाधिकारी जो है कि अत्याचार कर रहे हैं और वोटिंग का उम्मीद करना छोड़ दें और युवा जो है कि रोजगार पे बात करना चाहता है। जब युवाओं की सनकती है ना, ये सनकती है ना, मैं बनिया हूँ, जायसवाल हूँ, जब ये सनकती है ना, ठाकुर पंडित जो भी युवा है जो पढ़ाई कर रहे हैं बनारस में, यहाँ घर से जाके बाप 2,000-4,000 रुपया हर महीने भेज रहा है पेपर देने के लिए, बेटा पापा रांची पेपर पढ़ा है, पैसा भेज दो 2,000 रुपया। हाँ, 2,000 रुपया दिया बाप ने कैसी खेती किसानी करके, और 10 दिन बाद उन्हें पता चलता है युवाओं को, भैया पेपर लीक हो गया, वो 2,000 तो चले गए उनके। हाँ, और उसके बाद उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब चुनावी समीकरण में पेपर लीक भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के सामने आया है, और युवाओं को रोजगार जो है नहीं मिला है, इसका गुस्सा वोट के चोट से युवा देना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और जुड़े हुए हैं, आप नाम बताइए अपना। सियाराम यादव। अच्छा, सियाराम यादव जी, ये बताइए कि वोट आपका किस मुद्दे पे पड़ा इस बार? का रोड के दावलिया, सब स्थिति गड़बड़ा चल रहा है। किसका स्थिति गड़बड़ चल रहा है? मोदी जी मान लेंगे देश नाश कर देने, और का मोदी जी देश के नाश कर देने। किसको देखना चाहते हैं इस बार? हम लोग साइकिल की देखना चाहते हैं। तो साइकिल तो ऊपर आएगी नहीं? आएगी ना। अच्छा, नहीं, एक मिनट, प्रधानमंत्री के चेहरे में किसको देखना चाहते हैं? यह ऐसा जो गठबंधन सरकार बन रही है ना, अभी नहीं लोग तो देखा जाएगा। अच्छा यादव जी, ये बताइए कि जाति समीकरण जो है, जाति पे भी वोट पड़ रहा है? नहीं नहीं नहीं, जात वाली बात नहीं है, जात वाली बात नहीं है। लेकिन ऊपर से सब लोग बोलते हैं कि पूर्वांचल में खास कर से इधर के बेल्ट में जाति समीकरण बहुत बड़ा मायने। नहीं नहीं, जाति पर क्यों, जात के वोट कितना, जात का वोट पड़ेगा और जात संगठन बना के वोट देगा तो भी कोई काम आगे बढ़ेगा। इनका कहना है कि जाति समीकरण को धता बताते हुए जो है कि मतदान हो रहा है और मतदाता जो है कि विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं और
बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई के लिए भी एक मुद्दा उठा है, बहुत सारे लोगों ने बताया है। हम कुछ लोगों से और भी बातचीत करना चाहते हैं। आपने वोट किया है क्या? हाँ हाँ जी, हमने वोट दिया है और मैंने साइकिल पर वोट दिया है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जो वर्तमान सरकार थी उसमें जो है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। किस तरीके का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार में मतलब जो अधिकारी और कर्मचारी है वो आम जनता की बिल्कुल नहीं सुनवाई कर रहे थे। अधिकारी चाहे वो कहीं भी हो, कोर्ट कचहरी हो, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एकदम बिल्कुल आदमी परेशान है, आम जनता बिल्कुल परेशान है। हाँ, कहीं ना कहीं अधिकारियों का भ्रष्टाचार भी मतदाताओं के गुस्से में शामिल है। चुनाव का माहौल चल रहा है और हम लोग थोड़ा सा रोड साइड पे हैं। यहाँ पे कुछ युवा हमको दिखाई दिए और गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडा और लस्सी का सेवन करते हुए कुछ लोग मिले हमको। और बहुत ही प्रचंड धूप है, गर्मी बहुत चरम सीमा पे है और इसी बीच में हम लोग बात करेंगे चुनाव को लेकर और देखेंगे उनका रुख। मतदान करके कुछ युवा और कुछ हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हैं, हम पता करेंगे, देखेंगे उनसे, जानेंगे हाल क्या है चुनाव का। चाचा जी, चुनाव में वोट किए हैं? हाँ हाँ, वोट दिए हैं। देखे आ गए? हाँ देखे आ गए। अच्छा तो ये बताइए कि इस बार किस मुद्दे पे इलेक्शन हुआ है? मतलब इस बार इस मुद्दे पर इलेक्शन हुआ है कि जो भी आपको कोई हर सामान सस्ता हो, बिजली सस्ता हो, महंगाई चरम सीमा पर है, हम लोग खरीदने खाने वाला आदमी हम लोग परेशानी है, यही बात है और इसी पर हुआ है। हाँ अच्छा, बताना चाहते हैं कि बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनका मेन अगर मुख्य अगर मुद्दा माना जाए तो महंगाई ही मुख्य मुद्दा बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी होंगे, हम उनसे भी पूछेंगे कि किस तरीके से क्या इलेक्शन वोट किए हैं आप लोग? अभी तो मेरा एज नहीं हुआ है। अच्छा। बट और हमारे गांव समाज के लोग भी हैं। एज नहीं हुआ है, आप वोट किए हैं? मेरा मुद्दा केवल ये है, वोट किए हैं, वो मेरा वोट मेरा अधिकार। अच्छा, पहले वोट हम किए, मेरा मुद्दा ये है बस खाली केवल कि जो शिक्षा पे 18% GST लगा है उसको आप पहले हटाइए, क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं, पढ़ने लिखने के मामले में पढ़ नहीं रह पा रहे हैं। गरीब परिवार के लोग हैं युवा पीढ़ी, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप 18% GST लगा देंगे तो वो लोग कैसे पढ़ेंगे? शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, इनका कहना है कि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, उसको ये लोग जो है कि कम करें। और महंगाई इनका भी मुद्दा रहा, अगर हमारे युवा की बात किया जाए तो इनका भी मुद्दा जो है कि महंगाई रहा। हमारे साथ एक विक्रेता, चाय विक्रेता और लस्सी ठंडा वगैरह बेचते हैं, किस तरीके से क्या माहौल चल रहा है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। नाम क्या है आपका? निजामुद्दीन जी। आपके यहाँ लस्सी और चाय सब कुछ मिलता है? जी जी। तो सुबह से कैसी भीड़ रही आपके? सुबह से तो भीड़ है बहुत, काफी भीड़ चल रही है। जी जी। तो इलेक्शन के लेके आपने वोट किया है? जी, वोट तो अभी किए नहीं है, अभी जा रहे हैं वोट देने, अभी शाम वाले में हाँ जाएंगे। मुद्दा क्या है आपका वोट करने का? मुद्दा यही है कि हमें देखिए संविधान को बचाना है और लोकतंत्र जो है कि खतरे में है, दिख रहा है, इस चीज़ को मुझे बचाना है, इस चीज़ को लेकर के मैंने वोट करने जाऊंगा मैं शाम को। कैसे आपने सोचा कि लोकतंत्र खतरे में है, मतलब कहां से कैसे पता चला आपको कि लोकतंत्र खतरे में है? दिख रहा है इस समय, देख रहे हैं सभी लोग, अजीब अजीब के लोग नेता निकल जा रहे हैं और संविधान को ख़त्म करने के लिए लोग बात कर रहे हैं कि संविधान ख़त्म हो जाएगा, अलग से संविधान लगेगा, तो इसको बचाने के लिए लोगों ने वोट किया। अच्छा, गर्मी का महीना चल रहा है, प्रचंड धूप है बाहर, बहुत ज़्यादा जो है कि धूप की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, कई लोग बीमार हो जा रहे हैं, मतदाता मतदान स्थल पे कई लोग बीमार हो जा रहे हैं। मैं उस संबंध में इनसे पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने वोट किया है क्या? वोट किया? नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं किया। वोट कहाँ पर है आपका? सर देने नहीं गए अभी तक? नहीं, जा रहे हैं 4 बजे। 4 बजे? धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इनका कहना है कि धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है कि हम 4 बजे के लगभग जाएंगे मतदान स्थल पे मतदान करने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, ये युवा हैं। अच्छा, तो ये वोट किया है आपने? हाँ, वोट किया है। वोट दिखा रहे हैं भाई साहब कि वोट हमने किया है। क्या मुद्दा रहा वोट करने का इस बार आपको? मुद्दा यही है कि देखिए महामारी आ गई है, काम धाम सारा बंद हो चुका है। महामारी की महंगाई? महंगाई। अच्छा, काम महंगाई को आप महामारी कर रहे हैं? महामारी काम की हो गई है। अच्छा, लोग यहाँ से वहाँ दर दर भटक रहे हैं, काम धाम बंद हो चुका है, ड्राइवरों पर आपत्ति आ चुकी है, इंसान डिग्री पाने के लिए नौकरी के लिए परेशान है, हड़ताल पे हैं, भूखे पे हैं, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही है। सुनवाई नहीं हो रही है सरकार में। आप ड्राइवरों की बात कर रहे हैं, युवा हैं, ड्राइवरों की बात कर रहे हैं और महंगाई चरम सीमा पर है, इनका कहना है।
और इसी वजह से इन्होंने आज वोट भी किया है। तो क्या वोट किया है आपने, तो क्या सत्ता परिवर्तन के लिए किया है, सरकार बदलने के लिए किया है? सरकार बदलने के लिए किया है। सरकार बदलने के लिए किया है। अच्छा, और आपके क्षेत्र में जो प्रमुख जो समस्याएं हैं, तो प्रमुख समस्याओं में क्या है? पानी होनी, बिजली वगैरह सब कुछ मिल रहा है? हाँ, बिजली इस समय तो मिल रही है। अब चुनाव के बाद पता चलेगा कि बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही। पानी, पानी तो मिल रही है। पानी मिल रहा है। हाँ, पानी क्षेत्र में समस्या है पानी का? क्षेत्र में प्रधान के द्वारा सब पानी सप्लाई चल रहा है। हाँ। टंकी लगी भी हुई है। हाँ। प्रधान के द्वारा चला, लेकिन जो सरकार आई है उसके जरिए से हमको नहीं पता है कि पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ प्रधान जो हुए हैं उनके जरिए से पानी मिल रहा है। प्रधान के द्वारा पानी मिल रहा है और बाकायदा जो है कि चल रहा है। हमारे साथ कुछ और भी युवा खड़े हैं यहाँ पे, ड्राइवर साहब। अच्छा, क्या चलाते हैं? जी, हम ट्रक चलाते हैं। ट्रक चलाते हैं, कहाँ घर है आपका? यही घर है हमारा, घर यही है। तो ट्रक चलाते हैं, तो ये बताइए कि आपको रोजगार मिल गया है? आपको रोजगार मिल गया है तो उसमें कौन सा, उसमें तो सरकार नियम डाल दिया है कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है तो 10 लाख जुर्माना देगा। तो ड्राइवर कहाँ 10 लाख पाएगा, जुर्माना देगा? ये सरकार अच्छा थोड़ा ना है हम लोग के लिए। हम लोग की सरकार बहुत बेकार है। अच्छा, इनका कहना है कि बदलना ही चाहते हैं, इस सरकार को बदलना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, इनका कहना है कि ड्राइवरों का मुद्दा है 10 लाख रुपये जुर्माना लग गया है एक्सीडेंट करने पर, और ये जो है कि 10 लाख कहाँ से पाएंगे? रोजगार के, रोजगार ढूंढने के लिए इन्होंने ड्राइवरी पेशा अपनाया था, ट्रक ड्राइवर हैं ये। और इनका कहना है कि अब सरकार बदली जाएगी, इतना जो है कि एक ड्राइवर जो है इतना रुपया नहीं ला सकता है एक जगह पे। अगर रुपया होता तो हम ट्रक ड्राइवर थोड़ा ना करते भैया, ट्रक ड्राइवर नहीं ना करते, अपना बिजनेस खोल के हम लोग भी बैठते। सरकार जैसे अब आज़ादी है, हम लोग पास है नहीं तो हम लोग कहाँ से बिजनेस कर पाएंगे, इसलिए मजदूरी करते हैं। तो उसमें भी 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है, और हमारे सब ड्राइवर भाई बहुत परेशान हैं जगह से लेके। इनका कहना है कि मतलब मजदूरी भी महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा, जो है कि मजदूरी की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। ट्रक ड्राइवर हैं और ट्रक चलाना भी मुश्किल हो गया है। प्रचंड गर्मी चल रही है, गर्मी में आपको किस तरीके का माहौल दिख रहा है वोटिंग बूथ पे? आप गए थे वोट करने के लिए? हाँ, वोटिंग में तो गए थे, वोट दिए है, वोट अच्छा पड़ रहा है। वोट अच्छा पड़ रहा है, अच्छा मतलब पब्लिक जो है कि वोटिंग कर रही है, ऐसी नहीं है कि पब्लिक वोटिंग से पीछे हट रही है। प्रचंड गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी जो गर्मी है वो इस गर्मी से के ऊपर भारी पड़ रही है, और मतदाता अपना वोट जो है देने के लिए पोलिंग बूथ तक जा रहा है। मैं कुछ लोगों से और बात करना चाहूँगा। मेरे पीछे एक लोग और खड़े हैं। वोट दिया है आपने? गईली 3 वोट, कहीं वोट बना नहीं, नाम कट गया। आपका नाम कट गया? कट गया है। अच्छा, हर साल देते थे, इस बार कट गया। अच्छा, हर साल देते, इस बार नाम कट गया? नाम कट गया, वोट नहीं दे पाए। नहीं दे पाए। अच्छा, अगर वोट देते आप तो क्या था मुद्दा आपका? वोट देते हैं साइकिल पे, वोट देते हैं हम। नहीं सर, वोट किया आपने? हाँ, वोट किया। तो चिलचिलाती धूप है, कड़ाके की एकदम भाई, हमें तो वोट देखा के लिए जाते। व्यवस्थाएं किस तरीके की थी अंदर? अरे व्यवस्था, पानी नहीं पीने की व्यवस्थाएं? हाँ ठीक है, रल व्यवस्था कौन बा भैया, यहाँ हल्का फुल्का बा, अपन व्यवस्था करके आदमी हाल बा। अच्छा, अपना व्यवस्था करके आए? हाँ। वोट इस बार दिए हैं तो मुद्दा क्या था आपके दिमाग में चल रहा था कि वोट हम दे रहे हैं तो क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कोनो सुख सुविधा धन के मिलल नहीं साहब। कहें सरकार तो पूरा विकास करके बैठी है, विकास करके देश विदेश में डंका बज रहा है, हमन के विकास कोई नहीं मिलल, विदेशों में तो डंका बज रहा है। अरे भाई विदेशों में बजत बा, अब यहाँ जौन की नहीं विकास भल, हमन के नहीं मिलल तो का हमन बतावल जाए? अच्छा, विदेशों में डंका बज रहा है, लेकिन इनका कहना कि यहाँ ग्राउंड जीरो पे जब विकास हो तब ना हम जाने। इनका कहना कि विदेशों में डंका बजे ना बजे उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे घर में डंका बजना चाहिए। हम दूसरे लोगों से भी बात करेंगे और चाहेंगे कि कुछ लोगों से और भी बात करके बताएं, आपको दिखाएं हाल चाल क्या है इलेक्शन का माहौल। वोट किया है भाई साहब ने? वोट मैंने नहीं किया, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, ड्राइवर हैं जी, तो कहीं तो वोट किए होंगे? वोट तो करेंगे ही, क्योंकि मुझे बदलाव तो चाहिए ही। अच्छा, इसलिए बदलाव चाहिए कि ये मोदी सरकार क्या की है ड्राइवरों के लिए? ड्राइवरों के लिए कानून निकाला, क्या किया, क्या कानून निकाला है, क्या कानून निकाला है आप बताएं? अर्थव्यवस्था तो बंद कर दी हमने, तो खुद ही बंद कर दी, तो फट गई उनकी, फट गई ना। अगर ये अर्थव्यवस्था हम लोग बंद कर दें तो उनकी तो फटके निकल जाएगी। ड्राइवरों के लिए आप ड्राइवरों के लिए क्या निकाले हैं, क्या व्यवस्था निकाले हैं? ये ड्राइवरों की नाप देख रहे थे कि कितने हमारे भारत वर्ष में कितने ड्राइवर लोग हैं, उन्हीं के वोट लेने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। अच्छा, तो नहीं पाएंगे वोट, ये तो कन्फर्म है कि नहीं पाएंगे वोट। ड्राइवर वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तो मेरे ड्राइवर भाई तो नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, भूल के भी नहीं करेंगे, जात के नाम पे भी नहीं करेंगे, एकदम जातवाद ही नहीं है, क्योंकि ये जातवाद पर ही लड़ा देते हैं। ये तो कन्फर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही में भाड़े जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू है ये मुस्लिम है,
ये क्या बात हुई? नाम क्या है आप? मेरा नाम एजाज खान है। एजाज खान है जी सर। तो क्योंकि आप हमारे जात के हैं, हम इसी तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से आपका चेहरा उस तरीके से मेरा भी, ब्लड देखो तो आपका मेरा एक ही हो जाएगा, बिल्कुल है ना। तो इसमें जातवाद कहाँ से आ गया सर? नहीं, जैसे कि पूर्वांचल में जाति समीकरण से जो चुनाव जो है रिजल्ट आता है, जिसकी जात की विशेष पे ही टिकट का बंटवारा होता है। जातवाद कुछ नहीं है इस बार, जातवाद नहीं है इस बार, जातवाद कुछ भी नहीं है, 1% भी जातवाद पर नहीं है। अच्छा। चाहे वो मोदी हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए, बदलेगी सरकार, बदलनी चाहिए और बदलेगी। ड्राइवर साहब हमारे साथ और ये पूरी दृढ़ निश्चय कर लिए हैं कि इस बार सरकार बदलनी है और हमारे एक वोट से भी सरकार बदल सकती है, बात सच है।